डीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। 26 नवंबर 2019 का करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूं। आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें। आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इन चार ऑप्शनों को देख के आपको बताना है सही जवाब, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर के दिन 1949 में संविधान को अपनाया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 1950 को लागू किया गया था। संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। 70वीं वर्षगांठ और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 2015 से मनाना स्टार्ट हुआ 26 नवंबर के दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो, केंद्र सरकार की किन दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना है? इन चार ऑप्शनों को देख के सही ऑप्शन का चयन करना है। केंद्र सरकार की किन दो केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव। दो केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। इसको लेकर विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय से बेहतर प्रशासन मिल सकेगा और विभिन्न कार्यों का दोहराव रोका जा सकेगा। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। दमन एवं दीव की राजधानी दमन है। अगला प्रश्न, विश्व समृद्धि सूचकांक के 113 विश्व समृद्धि सूचकांक के 113 शहरों की रैंकिंग में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कि विश्व समृद्धि सूचकांक के 113 शहरों की रैंकिंग में भारत के कौन से शहर शामिल हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, दिल्ली मुंबई बेंगलुरु। आर्थिक एवं सामाजिक समावेशिता के मामले में विश्व के शीर्ष 113 देशों में बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई का नाम भी शामिल है। इस सूची में बेंगलुरु 83वां, दिल्ली 101वां और मुंबई का 107वां स्थान है। इस सूची में ज्यूरिख पहले ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। वो वियना दूसरे और डेनमार्क का कोपेनहेगन तीसरे स्थान पर रहा। इस सूची में ज्यूरिख पहले स्थान पे था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दूसरे स्थान पे और डेनमार्क का कोपेनहेगन तीसरे स्थान पर रहा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चार, नोमुरा के फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स NFVI में भारत किस स्थान पे है? नोमुरा के फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स NFVI में भारत किस स्थान पे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें स्थान पे है। नोमुरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के अनुसार नोमुरा के फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स NFVI में भारत 110 देशों में से 44वें स्थान पर है। NFVI खाद्य कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव की दिशा के आधार पर देशों को रैंक करता है।
4.6% पर अक्टूबर 2019 के लिए भारत की खुदरा मुद्रास्फीति खाद कीमतों के उछाल के कारण 16 महीने के उच्च स्तर को छू गई है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को भारत के स्कूलों में बड़े पैमाने पर रोल आउट किया है? आपको बताना है किस कंपनी ने K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मिंग फ्रेमवर्क को भारत के स्कूलों में बड़े पैमाने पर रोल आउट किया है। इन चार ऑप्शन को देखें, पहला ऑप्शन गूगल, दूसरा ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा ऑप्शन फेसबुक और चौथा ऑप्शन ट्विटर है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने गुड़गांव में अपने एजुकेशन डेज के दूसरे संस्करण के तहत K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को देश भर के स्कूलों में बड़े पैमाने पर रोल आउट किया है। माइक्रोसॉफ्ट K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क स्कूलों के व्यापक डिजिटल रूपांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र ढांचा प्रदान करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क स्कूलों के व्यापक डिजिटल रूपांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करता है। ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारत के मानचित्र में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में किसे शामिल किया गया है? आपको बताना है कि भारत के मानचित्र में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरावती। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और केंद्रीय इंजीनियरिंग एजेंसी ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बताने वाले भारत के नवीनतम मानचित्र को जारी किया है। आंध्र प्रदेश का विभाजन 2014 में किया गया था और तभी तय किया गया था कि हैदराबाद शहर 10 साल की अवधि के लिए दोनों राज्यों की प्रशासनिक राजधानी के रूप में काम करेगा। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, लेकिन अमरावती होने वाली है। मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, किस राज्य के पूर्व सीएम कैलाश जोशी का निधन हो गया? इन चार ऑप्शनों को आपको देखना है और बताना है कि किस राज्य के हैं पूर्व सीएम कैलाश जोशी जिनका निधन हो गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व कैलाश जोशी का निधन हो गया है। राजनीति का संत कहे जाने वाले जोशी ने 1977 से 1978 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वह मध्य प्रदेश में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, किन्हें एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? आपको बताना है इन चार ऑप्शनों को देख के कि किन्हें एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, एलूट किपचोगे और दालीला मोहम्मद को चुना गया है। 2 घंटे से कम में मैराथन पूरी करने वाले 2 घंटे से कम में मैराथन पूरी करने वाले एलूट किपचोगे और 400 मीटर बाधा दौड़ विश्व चैंपियन दालीला मोहम्मद ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार जीता है। किपचोगे ने पिछले महीने उन्होंने 42.195 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 59 मिनट 40.2 सेकंड में तय करके इतिहास रचा था। अमेरिका की दालीला ने अमेरिकी ट्रायल्स में 52.20 सेकंड समय के 2003 से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है या कुछ त्रुटियां दिख रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसमें सुधार की जाएगी। तो आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने
स्कॉटिश ओपन में बैडमिंटन का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। इन चार ऑप्शनों को देख के सही ऑप्शन का चयन करना है कि ऐसे कौन से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो स्कॉटिश ओपन बैडमिंटन का पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। इन चार ऑप्शनों को देखें, सही ऑप्शन का चयन करें, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य सेन। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन ने स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ग्लासगो में लक्ष्य ने ब्राजील के गोर कोल्हो को हराया और पिछले तीन महीनों में लक्ष्य का यह चौथा खिताब है। आज का लास्ट प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने देश के लिए छठा डेविस कप खिताब जीता है? आपको बताना है दसवें नंबर का, किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने देश के लिए छठा डेविस कप जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राफेल नडाल। तो टेनिस में स्पेन के राफेल नडाल ने अपने देश के लिए छठा डेविस कप जीत लिया है। नडाल ने मैड्रिड में कनाडा के डेनिस शोपोवालो को हराया तो राफेल नडाल स्पेन के हैं जिन्होंने छठा डेविस कप जीता है। और किसको हरा के? तो कनाडा के डेनिस शापोवालो को हराया है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल डीएस एकेडमी, धन्यवाद।